प्रश्न, मैं सैन्य क्षेत्र में काम करता हूँ और रमजान का महीना आ गया, तो क्या मेरे लिए रोजा तोड़ देना जायज है, यह ध्यान में रखते हुए कि हालात रोजा रखने पर मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। आपके लिए रमजान में रोजा तोड़ना जायज नहीं है, जबकि आप रोजा रखने के मुकल्लफ हैं, सिवाय इसके कि यदि आप यात्रा पर हैं या आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसके होते हुए आप रोजा रखने में सक्षम नहीं हैं। इसका फरमान अल्लाह ताला का यह फरमान है, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, अर्थात और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी करे। तथा अल्लाह ताला का यह फरमान है, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, अर्थात उसने तुम्हारे ऊपर दीन के बारे में कोई तंगी नहीं डाली है। तथा अल्लाह ताला का फरमान, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, अर्थात अल्लाह ताला किसी प्राणी पर उसकी शक्ति से अधिक भार नहीं डालता है। तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब मैं तुम्हें किसी चीज का आदेश दूं तो तुम अपनी यथाशक्ति से उसे करो, और अल्लाह ताला तौफीक प्रदान करने वाला है। तथा अल्लाह ताला हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी संतान और साथियों पर दया और शांति अवतरित करें।